विद्युत करंट की चपेट से युवक की मौत। सरगरा समाज सहित परिजनों ने विद्युत विभाग कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। मृतक को न्याय दिलवाने की करी गुहार। समाजजनों व परिजनों का आरोप, विद्युत विभाग की GSS लाटाड़ा व लुणावा के JEN व कर्मचारियों की लापरवाही पूर्वक ड्यूटी करने से हुई घटना। बाली उपखंड के गांव बारवा निवासी सुरेश कुमार उर्फ चंपालाल पुत्र नारायणलाल जाति सरगरा उम्र 32 वर्ष निवासी बारवा, जो विद्युत निगम में निजी कंपनी के तहत कार्मिक के रूप में कार्यरत था, 4 जून को कार्य के दौरान करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको तत्काल जोधपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 9 जून को शाम को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। सरगरा समाज व परिवारजनों ने इलेक्ट्रिक बोर्ड की लापरवाही का आरोप लगाकर उचित कार्यवाही करने व मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि दिलवाने की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल को ज्ञापन सौंपकर बाली विद्युत विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिस पर अधिशासी अभियंता निमेंद्र राज सिंह, पुलिस उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव, सहायक अभियंता रवि टांक, नायब तहसीलदार इरफान बैग मिर्जा, थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने सरगरा समाज के लोगों से समझाइश करती हुई धरना समाप्त करवाया। ये हुआ निर्णय। अधिकारियों की समझाइश के द्वारा निर्णय कर मृतक के परिवारजनों को 11 लाख का मुआवजा दिलवाया गया, साथ ही जिसने गलती की है उसे निलंबित किया गया। नायब तहसीलदार मिर्जा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत भी मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही का निर्देश दिया। इस मौके पर छत्र सरगरा समाज विकास समिति खुड़ाला फालना अध्यक्ष दिनेश सरगरा, बाली चौताला सरगरा समाज अध्यक्ष चैनाराम परमार, समाज सेवी प्रकाश चौहान, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष राकेश सवसा, खीमाराम प्रताप राम सेवाड़ी, मांगीलाल लालाराम चौहान, गुलाब राम एडवोकेट, रामलाल चौहान, रतनलाल भंवरलाल, सुरेश सादड़ी, बहराराम, पाली जिला भीमसेना उपाध्यक्ष श्रवण कुमार, राजेश चौहान सहित अधिक संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। बाली उपखंड के गांव बारवा निवासी चंपालाल उर्फ सुरेश, जो कि विद्युत विभाग में ठेकेदार के साथ विद्युत का काम करता था, लुणावा सेसली रोड पर 33 KV लाइन के नीचे 11 KV लाइन पर 4 जून को समय करीबन दोपहर के 12 बजे के आसपास काम कर रहा था। पूर्व में तार टूटने से उक्त तारों को पुनः जोड़ने के साथ में विद्युत टीम में हरीश, बलवंत, नरेश साथ में थे। खड़े खंभे पर चढ़ने से पूर्व सुरेश उर्फ चंपालाल ने 3 बार लाइन मैन से पूछने पर बताया कि 11 KV व 33 KV की लाइनें बंद कर दी गई हैं। जैसे ही सुरेश उर्फ चंपालाल तारों को ठीक करने के लिए चढ़ा, तो उस दरमियान नटाड़ा GSS के अधिकारी व कर्मचारी सभी लोगों द्वारा जानबूझकर घोर लापरवाही बरतने के से विद्युत कनेक्शन लगने लगा। तब 33 KV विद्युत लाइन शुरू करने से सुरेश उर्फ चंपालाल की करंट लगने से जलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसे बाली अस्पताल लाया गया, जहाँ से उसे उच्च इलाज के लिए बांगड़ अस्पताल पाली ले जाया गया, फिर पाली से इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर के लिए रेफर किया गया। वहीं 9 जून को शाम 5 बजे उसकी मृत्यु हो गई।